Let's do question number 39th of exercise 3E, that is linear equation 2 variable. Question number 39th is, the area of rectangle get reduced by 8 square meter. Area of rectangle jo hai wo 8 square meter se reduce ho jayega when its length is reduced by 5 meter. Jab uski length 5 meter se reduce hogi aur breadth uski 3 meter se increased hogi. If we increase the length by 3 meter, agar hum length ko 3 meter se increase karte hain and breadth by 2 meter aur breadth ko 2 meter se increase karte hain, then the area is increased by 74 meter. Then area hamara kitne se increased ho jayega? 74 meter se. To hame length aur breadth nikalni hai rectangle ki. To kaise nikalenge? Pehle hame length aur breadth nikalni hai, to let kar lete hain. Let the length of rectangle be x meter and breadth be y meter. अब इसका area देखेंगे तो क्या होगा? Area of rectangle कितना होता था? Area of rectangle होता था हमारा length into breadth. अब length है x और breadth है y, तो xy meter square हो गया, right? ये meter square है, right? अब देखिए, अब जैसे जैसे question में कहता जा रहा है वैसे वैसे करेंगे. The area of rectangle gets reduced by 8 meter. तो हमने area था xy, इसको reduced कर दिया 8 meter से, 8 meter, right? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, when its length is reduced by 5 meter and breadth is increased by 3 meter. Length reduced ho gai aur breadth increased ho gai 3 meter se, right? To humne kiya, when length to hamari reduced ho gai aur breadth hamari increased ho gai 3 meter se, right? ये निकल के आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया, राइट? अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, हमने लेंथ इंक्रीज्ड कर दी 3 मीटर से, तो x प्लस 3, आगे क्या कह रहा है, एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, ब्रेथ को भी इंक्रीज्ड कर दिया 2 मीटर से, राइट? आगे कह रहा है, the area is increased by 74 square meter. तो area भी increased हो गया 74 square meter से. तो area हमारा था xy, वो भी increased हो गया 74 square meter से. तो ये आ गई हमारी second equation. अब इन दोनों को अलग अलग solve कर लेते हैं. तो first equation इधर लिख रही हूँ, xy minus 8 equals to x minus 5 y plus 3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे इधर. और दूसरी इक्वेशन है x plus 3 y plus 2 equals to xy plus 74. तो सॉल्व कर लेते हैं, xy minus 8 as it is equals to x की मल्टीप्लिकेशन y plus 3 में minus 5 की मल्टीप्लिकेशन y plus 3 में. ये मैं already class 7th 8th में समझा चुकी हूँ कि हम जब भी open करते हैं bracket तो इसकी multiply इस पूरे bracket में, फिर इसकी multiply इस पूरे bracket में. तो अब क्या आया? ये आया xy minus 8 equals to xy plus 3x minus 5y minus 15. अब सब कुछ उधर चला जाएगा, तो ये आया xy minus 8 minus xy, साइन चेंज हो गए सबके, प्लस 5y माइनस का प्लस 15 इक्वल्स टू 0. अब देखिए xy एक माइनस का था एक प्लस का था, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, माइनस 3x प्लस 5y. अब 15 प्लस का 8 माइनस का है, तो आपस में सबट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अब इसी तरीके से देखिए, x की मल्टीप्लिकेशन y plus 2 में plus 3 की multiplication y plus 2 में equals to xy plus 74. तो ये कितना आ गया, xy plus 2x plus 3y
plus 6 equals to xy plus 74. अब xy इधर आ गया, xy plus 2x plus 3y माइनस का एक्स वाई हो गया और 74 के साथ 6 चला गया उधर, तो माइनस का हो गया, तो एक्स वाई कट गया, तो ये आ गया 2x plus 3y equals to 74 में से 6 माइनस हो गया, तो ये आ गया 68, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन जो लिखूंगी उसमें ये 7 इधर लिख दूंगी, राइट डायरेक्टली। अब ये कितनी आ गई इक्वेशन, माइनस 3x plus 5y माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 7, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड थी हमारी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 68, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए कॉफिशेंट x के इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, तो ये कितना आया, माइनस का 6x प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस 14, राइट। अब ये कितना आया, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 3 8s are 24, 2 कैरी 18 19 20। अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चेंज्ड है, आपस में सब प्लस हो जाएंगे वाई वाले, और ये वाली जो डिजिट्स हैं कांस्टेंट वो आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये कितना आ गया 0, 10 में से 1 गया 9 and 1। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 190/19, दैट इज 10 आ गई, राइट। अब पुटिंग y equals to 10 in equation, ऊपर लिखी हुई है equation तो उसी में लिख देते हैं, minus 3x plus 5 into 10 equals to minus 7, तो ये आ गया minus 3x plus 50 equals to minus 7, तो ये कितना आ गया, minus 3x equals to minus 7 minus 50, तो माइनस 3x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 57, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया 57/3, 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो हमने लेंथ और ब्रेथ मानी थी और लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी थी, तो लेंथ हमने x माना था, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, लेंथ इक्वल्स टू 19 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई हमारी, ब्रेथ इक्वल्स टू 10 meter is the answer.